हेलो दोस्तों, मैं निशा जैन इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड स्टोरी लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक चिड़िया जंगल में रहते थे। जैसे ही सुबह होती, वह सुबह उठकर गीत गाते हुए कीड़े मकोड़ों की तलाश में भटकने लगती। एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि उसी जंगल से एक किसान जा रहा था। उस किसान ने उस चिड़िया के गीत सुने, उसे काफी पसंद आए, तो उसने चिड़िया से कहा कि अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। अब किसे अपनी प्रशंसा पसंद नहीं है। चिड़िया ने उसे तुरंत जवाब दिया कि थैंक यू, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? किसान ने उसे कहा कि मैं एक कस्बे के बाजार में जा रहा हूँ, मेरे पास एक बक्सा है जिसमें बहुत सारे कीड़े हैं, तो इन कीड़ों के बदले में मैं पंख खरीदने के लिए जा रहा हूँ। उस समय चिड़िया को एक आइडिया आता है। वह चिड़िया उस किसान से कहती है कि तुम इतना दूर क्यों जा रहे हो, आप एक काम करो, यह बक्सा जो है कीड़ों से भरा हुआ, यह आप मुझे दे दो, मैं बदले में आपको एक पंख देते हूँ। तो किसान ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें यह बक्सा दे देता हूँ, तुम मुझे बदले में एक पंख दे दो। दूसरे दिन फिर वहीं से किसान भटक रहा था, चिड़िया उसका इंतजार कर रही थी। किस लिए? बस वही कीड़े मकोड़ों की तलाश में। किसान वहां से जा रहा था, चिड़िया ने तुरंत उसे बुलाया कि अरे, आज आप फिर से जा रहे हैं? तो किसान ने कहा कि हाँ, मैं तो रोज ही जाता हूँ यहाँ से। तो उसने कहा, एक काम करो, आज भी मैं तुम्हें पंख देती हूँ, तुम मुझे कीड़ों से भरा जो बक्सा है वो मुझे दे दो। तो दोस्तों, इसी तरह से सिलसिला चलते रहा और एक दिन ऐसा आया कि उस चिड़िया के पास एक भी पंख नहीं बचा और इसी के कारण उस चिड़िया की मौत हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वो जो चिड़िया थी, वो आलस के कारण यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहती थी और ज्यादा मेहनत करना उसे पसंद नहीं था। इसीलिए उसके मन में आइडिया आया कि मैं एक एक पंख किसान को दे देती हूँ, जिससे कि मेरा काम भी हो जाएगा और किसान का काम भी हल्का हो जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उस चिड़िया ने ये नहीं सोचा कि एक एक पंख देकर मैं अपने शरीर को मौत तक ले जा रही हूँ, इससे तो मैं मर जाऊंगी, ये उसने नहीं सोचा। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में यही तो गलती नहीं कर रहे हैं? हमारा हर एक दिन आलस के साथ तो नहीं जा रहा है? क्या आपके अंदर बहुत सारा आलस तो नहीं भर चुका है, जिसकी वजह से आप भी मेहनत करने से घबरा रहे हैं? दोस्तों, यकीन मानिए, जिस तरह से इस चिड़िया की हालत हुई थी, वैसे ही आपकी हालत हो रही है। वह अपने पंख देकर अपने को खुद को मौत तक ले जा रही थी। आप एक एक दिन देकर अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं, आपकी एज बढ़ते जा रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, तो आपको आज ही डिसाइड करना है कि जो भी आपके अंदर आलस भर चुका है, जिस चीज की वजह से आप रुके हुए हैं, अगर आप मेहनत करने से घबराते हैं, तो आज ही उसे तोड़ दीजिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप आलस कर रहे हैं, तो इससे किसी और का लॉस नहीं है, इससे तो आपका ही लॉस है, राइट? तो इस वीडियो में हमें एक चीज सीखने के लिए मिल रही है कि अगर हमारे अंदर आलस है, तो उसे हमें बाहर निकालना होगा, फेंक देना होगा, राइट? सो मेरा आपसे सवाल है कि आज दिन तक आपके लाइफ में ऐसा कौन कौन से नुकसान हुए हैं आलस की वजह से? मतलब कि आपको अपने बारे में सेल्फ एनालिसिस करना है कि आपके कौन कौन से नुकसान हुए हैं आलस के कारण। ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप बहुत इम्पोर्टेंट काम करने गए होंगे, लेकिन आलस की वजह से आप नहीं कर पाए। मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा, यह सोचकर आप रुक गए। तो ऐसे कौन कौन से काम है जो आपके नहीं हो पाए, जिससे कि आपका क्या क्या नुकसान हुआ, ये आपको एनालिसिस करना है। सेकेंड चीज आपको एनालिसिस करना है कि अगर मैं यह आलस को कंटिन्यू करता हूँ, यही लेजीनेस मेरे अंदर रहता है, तो आगे आने वाले एक साल में, तीन साल में मेरे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो
तो दोस्तों इससे आपको पता चलेगा कि आप जो आलस कर रहे हैं वो आपको आज इसी वक्त रोकना है दोस्तों। ऑलराइट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप लाना चाहते हैं अपने जिंदगी में तो आलस एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपने अंदर बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। तो अगर आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो आलस आपको पता करना है कि कौन कौन सी चीजों में आप आलस बताते हैं, आप मेहनत करने से कतराते हैं, ये सारी चीजें यू हैव टू फाइंड इट आउट। ओके, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, उसके बाद आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है और आपको अपने आप को ये भी बताना है कि ये आलस मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारे पास ही हमारे सवालों का जवाब रहता है। ऑलराइट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर से इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना